नमस्कार दोस्तों, ग्रो एजुकेशन परिवार में आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वह हमारे शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और वह टॉपिक है हम आदेश कैसे प्राप्त करें। लगभग आदेश होते हैं वह जिले के या हमारे ब्लॉक स्तर के तो हमें मिल जाते हैं, लेकिन राज्य स्तर के या कुछ ऐसा आदेश होते हैं जो हमें पुराने मिलते नहीं हैं, तो आज उन पर बात करेंगे कि हम कैसे देख सकते हैं उन आदेशों को। चलिए हम सबसे पहले गूगल क्रोम में चलते हैं। सबसे पहले गूगल में हम शमशा लिखते हैं, SMSA। शमशा लिखते ही जो पहली साइट आएगी समग्र शिक्षा अभियान गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, यह इंटरफेस होगा। इसके ऊपर पहली जो साइट है उसको क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही इस प्रकार से इंटरफेस आपको नज़र आएगा, समग्र शिक्षा अभियान। अब इसके अंदर देखो राज्य दिखाई दिया है। इस राज्य के अंदर जितने भी शिक्षा विभाग के जो भी आदेश होते हैं वह सारे आदेश आपको मिल जाएंगे। जैसे राज्य है, राज्य को क्लिक करते ही राज्य सरकार के द्वारा जो शिक्षा विभाग के आदेश हुए हैं वो सारे आपको मिल जाएंगे। जैसे पहला आदेश है कार्य पुस्तिकाओं का वर्णन एवं उपयोग, निर्देश स्तर 21-22। इसी प्रकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को राज्य के क्रियान्वयन करने के क्रम में समूहवार क्रियान्वयन समिति का गठन। इसी प्रकार ADPC एंड DPC गण एवं वार्षिक कार्यों के मूल्यांकन का प्रतिवेदन भेजना, या राष्ट्रीय जिला शिक्षा नीति। इसी प्रकार अगर आप और भी नीचे जाकर देखेंगे तो और भी जो आदेश आए हैं वह आपको मिल जाएंगे, सभी आदेश देखने। इसके बाद देखते हैं कि राज्य के जो और आदेश हैं वह भी देख सकते हैं। अब वही बात करते हैं, राज्य सरकार के द्वारा संभागों के लिए अलग अलग आदेश भी होते हैं, तो वह आदेश भी हमें इसके अंदर मिल जाएंगे। जैसे कि डिवीज़न वाइज, जैसे कोटा का आदेश है, ये सहायक प्रशासनिक अधिकारी एवं वरिष्ठ सहायक के स्थानांतरण की सूची। वहीं वह कोटा, एक और आदेश है कोटा डिवीज़न का ही, यानी प्रमोशन फॉरगो के जो ऑर्डर हैं। इसी प्रकार देखो डिवीज़न कोटा के जितने भी आदेश हैं, ये जोधपुर के आदेश हो गए, जोधपुर के आदेश हैं। इसी प्रकार से हम ज़िले पे ओके करते हैं तो यह ज़िले वाइज आपको आदेश, हर ज़िले के अलग अलग आदेश। जैसे पहला आदेश है वह राज संबंध का है, नवकर्मोनित विद्यालयों के कार्मिकों को यथावत समायोजन, माध्यमिक में कर्मोन्नत उपरांत 3B। इस प्रकार से यह है आपको ये आदेश मिल जाएंगे जिलावार, कि अलग अलग जिलों के, जैसे 12 जिला है यह आया है 12 के नवकर्मोन्नत विद्यालयों में 3B में अधिशेष अध्यापकों की काउंसलिंग के पश्चात पदस्थापन आदेश, विषय हिंदी एवं समाज विज्ञान लेवल द्वितीय। इसी प्रकार ये देखो बूंदी का आदेश आ गया 6D समायोजन का। इस प्रकार से हम जो राज्यों की जो जिले वाइज होते हैं वह आदेश आप इसमें देख सकते हो। अब ब्लॉक की बात करते हैं तो इसके अंदर पहले जो सबसे पहले दिखाया गया है वह ब्लॉक वाइज जो आदेश निकाले जाते हैं, इसके अंदर सभी ब्लॉक जो भी ब्लॉक स्तर के आदेश होते हैं वो सारे इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे 12 जिले के अंदर 12 ब्लॉक का यह आदेश है। इस प्रकार से हम जितने भी आदेश देखने चाहें वह हर ज़िले राज्य संभाग के हिसाब से आप देख सकते हैं। वहीं नीति निर्देश पर ओके करते हैं तो यहाँ पर पोस्टपोन्ड इंटरव्यू फॉर AEN एंड GEN ये आदेश आपको देख सकते हैं, या फिर ICT कार्यान्वयन के आदेश। इस प्रकार से जो नीति निर्देश होते हैं वह भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। इसी प्रकार अब देखो डाउनलोड के अंदर आपको स्वीकृति के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अंदर दस्तावेज, फॉर्म योजना, UDIS स्वीकृति, PO सूची, शमशा ग्रांट और RTE एक्ट और हिंदी फॉन्ट, ये सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे।
इस प्रकार से हम कोई भी आदेश राज्य का हो या जिले का हो, संभाग का हो या ब्लॉक का हो, हम आराम से देख सकते हैं। यह जानकारी शिक्षक साथियों आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि शिक्षा जगत से जुड़ी जो भी अपडेट आती हैं सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और लाइक करें और यह इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हर किसी को लाभ मिल सके। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।